मॉर्बी ब्रिज कोलैप्स एक घटना नहीं, ये पूरा करप्शन का फसाना है। नो लिमिट ऑन एंट्री, जबकि ये सब पुल तो 100 साल पुराना है। हु गिव कॉन्ट्रैक्ट टू क्लॉक फेम्ड कंपनी, क्या मार्केट में और किसी का नाम नहीं था? ब्रिज रेनोवेशन में किसी का काम नहीं था? इन सब मौतों का कौन जिम्मेदार है? बिछड़ गए जिनके अपने, उनके लिए कौन ईमानदार है? कंपनसेशन के नाम पर गवर्नमेंट ने रुपए तो दे दिए, पर इन करप्टेड लोगों के लिए अब क्या फरमान है? जिनके अपने बिछड़ गए उनके तो यही अरमान है, सजा तो उन्हें मिलनी ही चाहिए, आज सबकी गुहार है। इंडिया में अभी भी करप्शन का पल्ला भारी है, आज भी इंडिया करप्शन से हारी है। कोई कहता ये सब एक चुनावी दौड़ का किस्सा है, अब आप ही बताओ कौन कौन इसका हिस्सा है।